अभी ये बकवास लैंग्वेज यूज कर रही है, मैं नहीं देखूंगा, इज्जत पे बात आएगी जैन, इज्जत पे बात आएगी, इज्जत क्या छोड़ यार, हम लोग अपना शूट करने आए, निकल ना, छोड़ दे, शूट तो करेंगे अपना, क्यों छोड़ दे भाई, इसको छोड़, शूट करने आए ना, तुम यहाँ करेंगे, आप भी बस बात, दफा हो जाओ भाई, दफा हो जाओ, कौन है तुम, मैं हो जाऊंगी, आप पहले मेरी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जैन और आज है मेरे साथ मारूर, इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि हम मेहरान के साथ कुछ प्रैंक करते हैं, तो मैंने इन्हें बुला लिया, इनसे मिल लिया, अब मैंने इनका जब प्लान सुना तो मुझे बड़ा औसम प्लान लगा था इनका, तो मैंने इनको यही कहा कि हमारी होटल इसी पार्क के पास है, थोड़ी देर बाद हम इसी पार्क में आएंगे शूट करने हमारी, तो आप उस टाइम आपको आना है, जो आपने प्लान बताया था उसी प्लान के मुताबिक आपको सेम टू सेम करना है, ओके डन, मेहरान बच के रही आज तू मेरे से, स्टे ट्यून, बाय। अच्छा बात सुन मेरी, क्या कहते हैं ना, तू कैमरा वहाँ पे जाके छुपा, वहाँ पे ना, वहाँ पे जाके छुपा, मैं और यहाँ पे कर, मिर्ची बड़ी लगा के ले, पहले सीन में तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, दूसरे सीन में फिरा सामा आ जाएगा भाई, वो लेंस चेंज कर दे, जूमिंग लेंस लगा दे, इसमें मेमोरी भी नहीं डाला, इसमें तो लगा, अभी तूने कैमरा निकाला बैग में से, तो डायरेक्ट घर पे लगा के आए क्या, लाहौर में जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक है, मैं बस कल आया हूं, खैरियत कैसे, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाइए लाहौर में कैसे आया, आए चलें कोई मेहमान, लाहौर में मैं जो है वो बस मैंने वहाँ पे जादुई बटन दबाया, मैं लाहौर पहुँच गया, जाहिर है किसी चीज़ में ट्रेन में आया, आए चलें कुछ मैं खिलाऊं पिलाऊं आपको, थैंक यू, आपने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, यही बहुत है हमारे लिए, लाहौर में लोग पहचान रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बड़ी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं आजकल, मैं देखती रहती हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस आप लोग सपोर्ट, मेरी बड़ी विश थी आपके साथ सेल्फी लेने की, ले लो, तो हम नहीं दिख रहे शायद, नहीं नहीं वो आप मेरे साथ, गलत नहीं है, गलत नहीं है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, आप आर यू ओके, यस आई एम ओके, व्हाट हैपेंड, आप टच कर रहे थे अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, आई डोंट नो, टच कर रहा था जी, आप जानबूझ के टच हुए हैं, कहाँ टच हुए हैं, आप पिक लेते हुए आई गेस कि आप टच होने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ टच हुआ, किसको टच हुआ, मैं ऑब्वियसली मुझे, मैं आपके साथ पिक लेने लगी थी, क्या बात कर रही है, क्या हो गया आपको, कोई आपने नोटिस नहीं किया, मैं पिक बना रही हूँ, ये जानबूझ के टच होने की कोशिश कर रहे थे, टच हुआ ही नहीं था, नोटिस क्या कर सकते, क्या हो गया, ठीक है, आप दवाइयाँ ली हैं आपने, दवाइयाँ आई गेस आप सुबह कोई लेके आई हैं, या आप कोई पागल खाने से भागी भी तो नहीं है, एक्सक्यूज मी, मैं पागल खाने से भागी भी नहीं हूँ, आप जानबूझ के टच हो रहे हैं, मैं क्यों टच होऊंगा, आप मान क्यों नहीं लेते, आप हो रहे थे टच, अरे इसने जिंदगी में फर्स्ट लड़की देखी है, जबरदस्ती मान जाऊं, मैंने जब किया नहीं है टच तो मैं क्यों मानूं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उन्होंने टच नहीं किया था, आप सेल्फी लेने के दरमियान आप इनकी क्लोज हुई थी, मैं क्लोज हुई थी लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि वो इंटेंशन, अब देखिए फिर आपका आप इनसे क्लोज हो रही है तो आप फिर क्या बोले, सेल्फी लूंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा पास होके बंदा लेता ही है, तो मैंने क्या किया, मैं तो यूं खड़ा हो गया था, मैंने क्या ले लो, मैं भी पॉसिबल है कि आप बाय मिस्टेक इनके क्लोज ज्यादा हो गई होंगी, तो मिस्टेक नहीं, मैंने मैं गलत नहीं कह रही, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, कैसे टच किया बताया भाई, मुझे तो था कि बंदा अच्छा है, वीडियोस अच्छी लगाता है, मैं सेल्फी ले लूं, ये क्या आप अंदर से ऐसे निकलेंगे, मुझे ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, प्लीज तमीज से बात करें, मैं तमीज से बात, आपकी शक्ल है मैं आपको टच करूं, आपकी भी शक्ल नहीं है कि मैं आपके साथ सेल्फी लूं, आप ही लेने आई, मैंने नहीं बोला प्लीज एक सेल्फी ले लो, प्लीज एक सेल्फी था, इसीलिए मैं आपके साथ मैंने सेल्फी ले लूं, तो ले लो सेल्फी, मैंने मना थोड़ी किया, ले ही रही थी, आपने हरकत क्या की है, क्या हरकत की है, मैंने आप झूठ बोल रही है यार, ले मैं क्यों झूठ बोलूं, शर्म की बात है, मैं क्यों आप अजीब बात कर रही है, किसी पे इस तरह आप इल्जाम नहीं लगा सकते, चलो आप तो थे ही, आपके दोस्त भी आपके जैसे हैं, नहीं हमने क्या करा, टच किया, हमने क्या करा, आपने टच नहीं किया, दूसरे टच करेंगे, बजाय दिख ही नहीं रहा, आप क्या टच को फील कर रही हैं, क्योंकि उनको मेरे पे भरोसा है कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, सही सही सही, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, आप जैसी बहुत सारी लड़कियों से सेल्फी डेली लेती है, आप शायद इमेजिन कर रही हैं टच को, कि उन्होंने आपको टच किया होगा, आप ऐसे बोलेंगी, दिमाग सब खराब करने लाहौर अजीब सीन भी है, कराची के लोग ऐसे होंगे, सॉरी टू से आप गलत बात करिए, अब आप गलत बात करिए, जैन उसको समझा, अब आप गलत बात करी, आपको बाय मिस्टेक में आपको कह रहा हूँ, इसमें ठीक है कोई बात नहीं, आप टच हुए, आप मान लें कि आप टच हुए, मैं क्यों मानूं जब मैं हूं, आपका दिमाग खराब है, अच्छा आप मान ले, अच्छा आप मान ले आपने इनको टच कर लिया जानबूझ के, तो आप मान ले ना, किस चीज की कमी है, तो इसमें किस चीज की कमी है, मैं इस बंदे को टच करूंगी, इसमें किस चीज की कमी है, मूवमेंट था, ये स्टार है, मुझे क्या पता ये, अब आप ये सोचे कि आप इनसे सेल्फी लेने आए थे, आप जैसी बहुत सारी आती है टच वगैरह की बात, आप बहुत गलत कर रही हैं, अब आप देखिए बहुत गलत इल्जाम लगा रही है मुझको, मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं भी आपसे लंबी बात नहीं, क्या मतलब आप चली जाओ,
तो क्या केस करूंगी क्या इसके ऊपर? सेल्फी ले ली, केस नहीं करूंगी, लेकिन एटलीस्ट बंदा अपनी गलती तो माने। क्यों गलती है ही नहीं, मैं क्यों मानू? आपकी गलती है, आप मान लें। मैंने नहीं किया है टच। आपने टच किया है। मैडम जी आप जो भी हैं, मैंने आपको टच नहीं किया, आप खामखा में गले पड़ रही हैं। सर जी चाहती है टच करें सर? नो ऐसा नहीं, आपको भाई में गलत फहमी हो गई होगी। सही, सही सही, मैं चाहती हूँ टच करे, ये बंदा टच करे। मैंने ऐसा नहीं कहा आपको। तो कौन सा बंदा टच करे? कोई भी टच ना करे। देखो गलत बातें हो रही हैं आपको, बाय मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं उनका दोस्त हूँ, मैं 24 घंटे इसके साथ होता, मुझे पता है आपको टच नहीं कर सकता। मैंने नहीं किया आपको टच, सीरियसली। हो सकता है आप बेबी सेल्फी इधर में आपसे क्लोज हो गई होंगी। चलो अगर, चल, चल, अगर आपको लगता है कि मैंने मेरे से सॉरी कर निकल यार अपना काम टच हो गया गलती से, तो मसला नहीं है, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, लेकिन मैंने आपको टच नहीं किया। हाँ जी ठीक है, आप सॉरी कर लें, इट्स ओके, बट आपने टच किया, नहीं किया। अब ये देख मैं अपनी सॉरी किया उसके बाद भी आपको क्या माने? मैंने कहा लड़की है इसलिए उसको सॉरी कर रहा हूँ इज्जत से, मैं हालांकि मैंने मेरी गलती भी नहीं। क्या मतलब इज्जत से? आप मेरा दिमाग खराब करेंगी, मैं आपको बहुत यहाँ पे जलील कर दूंगा। आप मुझे क्या जलील करेंगी? आप भी मुझे जानते नहीं है, बेइज्जती से क्या होगा? कौन है आप? नवाज शरीफ? हर बंदे की इज्जत होती है, ये नहीं कि आप दूसरे बंदे तो मेरी इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत होती तो आप बकवास कर रही है मज़ूल की। मैं बकवास ही कर रही। लाइट लाइट अरे यार ये ड्रामा कर रही है, मेरे आप बहुत ज्यादा जलील हो जाएगी यार। आप मेरे से बहुत बेइज्जत होंगी। आपने कैमरे पे कोई और शक्ल चेहरा चढ़ाया होता है और रियल लाइफ में आप ये हैं भाई। मैंने क्या कर दिया रियल लाइफ में यार? अजीब बकवास है यार ये, कोई बात नहीं भाई। आप मैडम आपको गलतफहमी हो गई होगी। मैंने कब टच किया यार तुझे? देख तुझे पता हो तूने कब टच किया कब नहीं। अभी ये बकवास लैंग्वेज यूज कर रही है, मैं नहीं देखूंगा। इज्जत पे बात आएगी जैन, इज्जत पे बात आएगी। इज्जत क्या छोड़ यार, हम लोग अपना शूट करने आए। निकल ना, छोड़ दे, शूट तो करेंगे अपना, क्यों छोड़ दे भाई इसको? छोड़, शूट तो करेंगे, शूट तो यहां करेंगे। आप भी बस बात, दफा हो जाओ भाई, दफा हो जाओ। कौन हो तुम? मैं हो जाऊंगी, आप पहले मेरी बात। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, जो भी हो, इज्जत इज्जत होती है भाई। मैं ये नहीं देख रहा, मेरा शहर नहीं है कि आगे बकवास हो। क्या बात सुनो यार, बात क्या सुनो? मैं पता नहीं कुछ क्या इल्जाम लगा रही है, बात क्या सुनो? नहीं मेरा दिमाग अभी खराब नहीं करा, आप शराबत से चली जाए। क्यों सुनो यार, अजीब बकवास है। तू भी क्यों सुनू मैं? क्यों सुना इसकी? क्यों सुनू मैं? बकवास कर रही हूँ मैं, तुम्हारी बकवास सुनता रहा हूँ। बैठ गया, बोलो 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 बोलो, अजीब ड्रामेबाजी है यार। क्या ड्रामेबाजी? ठीक है मेरी ड्रामेबाजी है, आपने भी तो कितना कुछ बोला है। क्या बोला मैंने? क्या बोला जो बोल रही है? क्या बोला है मैंने? चलिए ठीक है, लड़ाई आप एक साइड पे रखें, आप मेरी बात सुनो। मैं क्या सुनू? बोलो। ओके काम डाउन, आप बोलो बोलो जल्दी यार, जल्दी बोलो। बोले ना उनको, इट वाज जस्ट अ प्रैंक, डोंट माइंड। ओके आई नो इट्स टू मच बट डोंट माइंड। मैं मजाक करना चाह रही थी कि चले आप आए हुए हैं तो और आपने और आपने वहां पे कैमरा छुपा के मजाक किया। राइट 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 ना, अभी इसको ये कैमरा असल में छुपाया ही मैंने क्योंकि हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। इसमें मेमोरी भी नहीं डाला इसमें, तो लगा अभी तूने कैमरा निकाला बैग में से, तो डायरेक्ट घर पे लगा के आएंगे। तेरी बंदी आ रही है मेरे ख्याल में सामने वाली। अच्छा हाँ वही है, हाँ वही आ रही है। अच्छा बात सुन मेरी, क्या कहते हैं ना, तू कैमरा वहाँ पे जाके छुपा, वहाँ पे ना वहाँ पे जाके छुपा, मैं और यहाँ पे कर। मेरी बड़ी लगा ले, मेरे साथ मैं तेरे साथ आ जाऊँगा। दूसरे सीन में आसान हो जाएगा भाई, वो लेंस चेंज कर दे, ज़ूमिंग लेंस लगा दे। लाहौर में जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बस बोल दे भाई, मेरा प्लान था। आई नो आपने पता है, आपने मुझे साथ मिलकर इनके लिए प्लान तैयार किया, तो हमने सोचा कि इसमें कोई ट्विस्ट कर दें। अरे ये ट्विस्ट तो नहीं है ना, आपने मुझे डबल क्रॉस किया। मैंने सोचा कि कैमरे में आप हिलाओगे। मैंने सोचा कि आपने बोला मुझे कि मैं मेहरान के साथ चलूँ, लेकिन मजा तब आता है जब आपको कुछ पता ना चले। अब वैसे ये प्रैंक हुआ है, प्रैंक हुआ है लेकिन आपके साथ। लेकिन मैंने उनके साथ करना था, आप यूं तो नाना करते। आपको खुशी भी में गुस्सा हुआ, प्रैंक हुआ, सब हुआ। एनीवेज आपको फीलिंग तो आई ना कि मेहरान के साथ प्रैंक हो रहा है? फीलिंग आई, खुश तो हो रही थी ना, इसी फीलिंग से आप गुजारा करें। एनीवेज डायलॉग्स थोड़े ज्यादा हो गए थे, लेकिन नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता था। लेकिन माइंड करना मेरा बनता है क्योंकि आपने डबल क्रॉस किया। मजा इसी में है ना, अभी आप कैमरे में हाथ लाए, मैं भी हिला, तो हम दोनों पे प्रैंक हुआ, दोनों पे प्रैंक हुआ, दोनों हिला दो हाथ कैमरे पे। चल फिर हम लोग निकलते हैं। वीडियो यार बहुत अच्छी बनी, आपने एक्टिंग अच्छी की। अगर मतलब मुझे वाकई में नहीं, नहीं बताया तो शायद मैं फंस भी जाता। काफी हाइपर हो गए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि काफी ज्यादा बात। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपसे माजरत करता हूँ। हाइपर में इसलिए हुआ, मैं हाइपर, मैं वजह आपको बता देता हूँ। हाइपर होने की वजह ये थी कि ताकि आपको भनक भी ना लगे
किसने मुझे पहले बताया? ये तो फिर शोर की दाढ़ी में इनका ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप डबल मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता ना चले कि आप वैसे इस लहजे में बात नहीं करते। मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की के साथ मैंने भी जिंदगी में कभी ऐसे किसी से नहीं बोला। असल में सीन ऐसा था ना कि अगर मैं गुस्सा नहीं करता ना तो ये समझ जाती उनको पहले से पता, ऐसे शक हो गया क्योंकि पहले भी मुझ पर एक बंदी ने प्रैंक करने की कोशिश की, मैंने उसे यूं उसका माइक पकड़ लिया था। और आपने दोबारा माइक पकड़ लिया? नहीं नहीं, मुझे पहले से पता था, कैमरा मैंने खुद चुका। आपसे जो प्लान करा था, मैंने आपसे जो प्लान करा था ना, आपने मुझे बोला हमारा डन हो गया, तो मैंने वो बात इनको बताई थी। तो आपको ऐसा नहीं बतानी चाहिए थी ना। इन्होंने बोला, इन्होंने मुझे वैसे मजा नहीं आता ना फिर। अरे उसने मजाक में बोला था मुझे, यार एक लड़की तरह से प्रैंक करना चाह रही है, मैंने कहा बुला ले। फिर मेरे शैतानी दिमाग में आइडिया, मैंने कहा बुला, 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 बुला। दिमाग ने पता भी नहीं लगने दिया कि आप डबल क्रॉस कर रहे हैं। वैसे हम अपने उस्तादों के साथ नहीं कर सकते ना कुछ। एक्टिंग अच्छी थी, ऑसम भाई। कोई मूवीज में रोल हो बॉलीवुड में तो प्लीज इनको कोई रोल अगर कोई देना चाहे, बहुत अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू सो मच। चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।